हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेलवेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम पॉलिटिक की जो क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। टिप ऑफ द डे जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। इससे आप आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन किस तरह से सिक्योर करना है उसके बारे में आपको एक टिप बताएगी। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड, तो इसका सही आंसर है हिस्टोलॉजी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू की स्टडी हिस्टोलॉजी कहलाती है। और साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, उसे साइटोलॉजी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जो विटामिन बी वन है उसे थायमिन कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि विटामिन के रासायनिक जो नाम है या फिर केमिकल नेम आपको याद करने हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी। बायोटिन क्या होता है, विटामिन बी सेवन। नियासिन क्या होता है, विटामिन बी थ्री। ठीक है, जो विटामिन बी होते हैं एक्चुअली वो अनाज में, ठीक है, सीरियल्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपके घर पे ना क्या कहते हैं उसे, राइस, राइस की अगर चावल की बोरी है तो आप देखना उसके ऊपर लिखा होता है थायमिन, नियासिन, इस तरह से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए ऑल अराउंड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप इंटरलिंक कर पाओगे चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। प्लांट्स दैट ग्रो इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट इन वाटर आर कॉल्ड, ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑल ऑफ द ऑप्शंस, अल्गी, श्रब्स, फंगी। तो ये RRBJEE का 2019 का पेपर है, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द ऑप्शन। देखिए थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है यहाँ पे। ऑल ऑफ द ऑप्शन क्या होता है, डी ऑप्शन में देते हैं एक्चुअली, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, ऑप्शन ए में ही दे दिया। थोड़ा सा ट्विस्ट किया था इन्होंने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इडिबल पार्ट ऑफ अ बनाना इज, ठीक है, केले का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है, तो वो होता है इंडो क्रैप एंड मिसो क्रैप। ठीक है, ये एक मिनट है, हाँ दैट्स इट, दिस इज इंडो क्रैप एंड मिसो क्रैप। तो इडिबल पार्ट हम तो खा लेते हैं, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में एप्पल का इडिबल पार्ट क्या होता है, और फिर नो ऑरेंज का एडिबल पार्ट क्या होता है, इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाना का क्या है, इंडोकार्प एंड मीसोकार्प, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन प्रोमोट्स RBC प्रोडक्शन इन अ बोन मैरो, ठीक है, RBC का एक क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन बन गया कि RBC का जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है, इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा जो हार्मोन है वो प्रोमोट करता है, तो वो है ये ऑप्शन डी, एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रो से ही समझ में आता है, क्योंकि आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, इस तरह से याद रखना आप। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है, तो बोन मैरो में आरबीसी प्रोड्यूस होता है, उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एरिथ्रोपोइटिन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ, मैंने आपको बताया था विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है वो आपको याद करनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए के कमी से जो है रातोंधी या फिर कहे तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, याद रखना। और देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है क्या। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी डिजीज होती है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी से क्या होता है एक्चुअली, जो है अपने गम्स, मसूड़े हैं वो उनमें से खून निकलने लगता है, याद रखिए ऑप्शंस। ओके, एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज द बॉडी, बॉडी इज विच पार्ट एक्चुअली, तो इम्यून सिस्टम ही ख़राब कर देता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, नाम में ही है इसकी इम्यून, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट पर मिनट ऑन एन एवरेज इज, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हार्ट बीट जो होती है 72 बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, 72 बीट पर मिनट होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूछा गया है इन्होंने तो 50 to 100। ठीक है, 50 to 100, कभी कभी आप अगर एक्सरसाइज करते हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप जब नींद में होते हो तो हार्ट बीट कम रहती है, इस तरह से 50 to 100 के बीच में रहती है, याद रखना। इसे
आप ब्लड प्रेशर से ये मत कर देना, कंफ्यूज मत कर देना। ब्लड प्रेशर जो होता है 80 to 120 mm of Hg, ठीक है, mm of Hg, वो होता है ब्लड प्रेशर। जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होता है तो उसके वजह से आर्टरीज में जो प्रेशर गिरता है वही हम मेजर करते हैं इस ब्लड प्रेशर, ठीक है, याद रखिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट वेजिटेबल, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मूल सब्जी नहीं है, फिर मूल सब्जी नहीं है, जो रूट वेजिटेबल नहीं है, रेडिश, टोमेटो, कैरेट, टर्निप। तो इसका राइट आंसर है टोमेटो, ठीक है, टोमेटो इज नॉट अ रूट वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये RRB JEE में पूछे गए क्वेश्चन है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस देखने हैं, 5-5 मिनट की वीडियोस है, रोज आपने 5 भी वीडियोस देख लिए तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट, ठीक है, जो एक्यूपंक्चर होता है वो ट्रीटमेंट एक्चुअली चाइना से आई हुई है, इसमें नीडल्स यूज़ किए जाते हैं, सुई यूज़ की जाती है, ये चाइना में ओरिजिनेट हुई थी, ये भी याद रखिए, ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चाइना हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एक्यूपंक्चर जो है चाइना से आई है, उसमें नीडल्स यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। टिप ऑफ द डे है, आपको आज याद कर लेना है, ठीक है, याद कर लेना है फ्रूट्स और उसके एडिबल पार्ट्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है वो आपको याद ही कर लेना है, ये कुछ इम्पोर्टेंट फ्रूट्स है और उसके एडिबल पार्ट्स है, इसका आप याद कर लीजिए, ये पेज पे लिख लीजिए या फिर इस इमेज की क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इस वीडियो में स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और अपना वॉलपेपर रख दीजिए दिन भर और याद कर लीजिए, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग।